दोस्तों आप सभी ने तो वो नाम सुना ही होगा, विकास दुबे कानपुर वाला। जी हाँ दोस्तों, वही जिसकी गाड़ी पलट गई थी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में। चलिए जानते हैं उनकी मूवी कब रिलीज होने वाली है और इसमें कौन कौन से कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। टेलीविजन के अभिनेता मनीष गोयल ने हनक के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। ये फिल्म कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की जिंदगी से प्रेरित होगी। फिल्म के एक दृश्य से मनीष का फर्स्ट लुक सोमवार को जारी किया गया था और इसके एक दिन पहले शूटिंग भोपाल में शुरू हो गई थी। दोस्तों कितनी चौंका देने वाली बात है, जहां पर वो भाग कर गया था वहीं पे उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या थ्रिलर मूवी होने वाली है? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। अभिनेता के लुक के बारे में क्रिएटिव प्रोड्यूसर केतकी पंडित मेहता ने कहा, टेलीविजन की दुनिया में मनीष गोयल की एक बेहतरीन फैमिली मैन की इमेज है। ऐसे में उन्हें क्रिमिनल के रूप में तब्दील करने में टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी और खूब सारा खर्चा भी करना पड़ा। इंटरनेट में उनकी देखी गई कुछ तस्वीरों में उनका लुक हमें विकास दुबे जैसा मालूम पड़ा। मनीष ने भी अपने लुक, हाव भाव, बोली व्यवहार पर बहुत काम किया है। फिल्म के निर्माताओं की योजना इसे मार्च 2021 में रिलीज करने की है। अहन नदार ऑफ प्रोडक्शन हेडक्वार्टर अनलिमिटेड ने मैं कानपुर वाला किताब के राइटर को भी खरीद लिया है, जिसे राइटर मृदुल कपिल ने लिखा है। ये गुंडे विकास दुबे की जीवनी पर लिखी गई है। इस किताब को एक महीने पहले डिजिटली रिलीज किया गया था। मनीष वात्सल्य अब इस फिल्म को निर्देशित करेंगे और मनीष गोयल फिल्म में विकास दुबे का किरदार निभाएंगे। ये टीवी के जाने माने नाम है। प्रोड्यूसर मोहन नादर कहते हैं कि मैं उन लिपियों की तलाश में हूँ जो अपने रोमांचक कथन के साथ सांचे को तोड़ती हैं। हालांकि एक बुरे आदमी की मनोरंजक कहानी है। फिल्म मार्च 2021 में रिलीज की जाएगी। बता दें विकास दुबे कानपुर का एक गैंगस्टर था जो यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। इस गैंगस्टर ने कई पुलिस वालों की हत्या भी की थी। ऐसा करने के बाद ये फरार था। मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इसे कानपुर वापस लाने के दौरान गाड़ी पलट गई थी। वहां से भागने का प्रयास करने दौरान विकास दुबे मारा गया था। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि आश्रम और मिर्जापुर जैसे ये मूवीज को टक्कर दे पाएगी? हमें नीचे कॉमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।